तो लाचारी हो गई स्वास्थ्य महकमे की, लापरवाही के साथ साथ देखिए छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य भी है कि एम्स जैसे अस्पताल में दो माह पूर्व ही आप देखेंगे कि एक निरीह गरीब औरत अपने पति का शव ढोने मजबूर हो जाती है। देखिए जो एम्स के प्रवक्ता माफ कीजिएगा भाजपा के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे थे कि कई ऑपरेशन सफल हुए, परंतु देखिए मेडिकल ऐसी फील्ड है अवधेश जहां पे चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। 5 लोगों की आंख आज खराब हो गई है, तमाम जो मरीज है वो आंख फोड़े जाने से जो है पहले भी छत्तीसगढ़ में जो है अंधे घूम रहे हैं, हमारी जो माताएं थी उनके गर्भ निकाल दिए गए, नकली दवाएं छत्तीसगढ़ में जो है वो पकड़ाई जाती है बड़े पैमाने पे। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो है स्वास्थ्य जो है वह उसकी व्यवस्था का जो है जो हाथ जो है बेहद ही बेहाल है उद्देश्य, सरकार इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। और रही बात मैं आपको बताना चाहूंगा 102 और 108 की जो बात है, 102 मेहतारी और 108 संजीवनी सेवाएं, जो जो लोग हड़ताल में देखिए 600 एम्बुलेंस पूरे प्रदेश में जिसमें से 4000 कर्मचारी जो है कार्य में लिप्त है। सरकार को जैसा कि जो न्यूनतम जो काम के घंटे जो निर्धारित है वह भी निर्धारित नहीं है। उदय दुर्भाग्य देखिए जो लड़के हैं वो 12 से 14 घंटे काम कर रहे हैं जबकि 8 घंटे निर्धारित किए गए हैं। जो जितना वेतन जो श्रम विभाग जो श्रम मंत्रालय तय करता है उतना वेतन भी उनको नहीं मिल रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार की है। और मैं आपको बोलना चाहूंगा सरकार देखिए जरूरी आवश्यक सेवाएं है, सरकार को तत्काल एस्मा लगाना चाहिए या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए क्योंकि अंततः जो है प्रसूता माताएं हैं वह मर रही हैं, अंततः जो एक्सीडेंट से जो प्रतिदिन कॉल आते थे सैकड़ों लोगों की छत्तीसगढ़ में जान बचती थी वह लोग मर रहे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार और जो कर्मचारी है प्राइवेट जीवी के एम्बुलेंस कंपनी है उनके कर्मचारियों के बीच में बिल्कुल सवाल यही है कि प्रबंधन कौन करेगा? वह तो नहीं साहब